Dear students, today our topic is notice writing. Notice writing में future की जितने भी events हैं, कोई competition है, उसके बारे में अगर आपको information देना चाहते हैं, तो उसके लिए notice use किया जाता है. तो let us see its format. सबसे पहले हम देखते हैं कि जो first line है, उसमें क्या आप क्या use करेंगे. इंस्टीट्यूशन नेम, कोई क्लब का नाम है, कॉलेज का नाम है, वो आप इसके अंदर यूज़ करेंगे. सेकंड है, आप लेफ़्ट साइड में आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर डेट लिखेंगे. लेफ़्ट साइड में आप क्या लिखेंगे, डेट. ये डेट का कॉलम है, ये इंस्टीट्यूट आ गया, और ये सिटी का नाम है, जैसा भी स्टेटमेंट के अंदर दिया हो. और इसी की लाइन में, स्ट्रेट लाइन में आप नोटिस भी लिख सकते हैं, और एक लाइन छोड़ कर भी लिखा जा सकता है. कोई ऐसा इशू या हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है. नेक्स्ट, उसमें लाइन में आप लिखेंगे टॉपिक का नाम, जैसे कि मैंने सिंगिंग एंड डांस कंपटीशन लिखा हुआ है. अब चलते हैं इसके कंटेंट की तरफ. कंटेंट में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, आप देखेंगे फर्स्ट लाइन में, ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म्ड दैट अवर स्कूल इज़ गोइंग टू ऑर्गेनाइज ए सिंगिंग एंड डांस कंपटीशन ऑन 11th May 2020 एट स्कूल ऑडिटोरियम एट 9 AM. तो आप क्या देख रहे हैं कि इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट क्या आया है. तीन चीज़ें आपने ध्यान रखनी है माइंड में, व्हाट, व्हेन एंड वेयर. दीज थ्री थिंग्स आर द इंटेग्रल पार्ट ऑफ नोटिस राइटिंग. विदाउट दीज थिंग्स नोटिस इज कंसीडर्ड इनकम्प्लीट. कि फ्यूचर के बारे में आप कुछ बता रहे हैं भी, ऐसा होगा तो क्या होगा, व्हाट, व्हेन एंड वेयर, कब होगा, कहाँ होगा, क्या होगा, ये तीनों चीज़ें आपको बिगिनिंग में ही आपने बता देनी है, ठीक है. और इसका जो बिगिनिंग है, ऑल द स्टूडेंट्स आर हेयर बाय इन्फॉर्म्ड, इसको कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने इसी से स्टार्ट करनी है. ये जो है, इट इज़ हेयर बाय इन्फॉर्म से भी स्टार्ट हो सकता है, दिस इज़ टू इन्फॉर्म यू दैट, इससे भी स्टार्ट हो सकता है. तो जैसा आपको कन्वीनियंट लगे, उसके अकॉर्डिंग आप यूज़ कर सकते हैं. वर्ड लिमिट इसकी 50 है, जैसा कि मैंने ऊपर यहाँ लिख रखा है. वर्ड लिमिट सिर्फ 50 कितनी है इसकी, 50 वर्ड लिमिट है. 4 मार्क्स का टॉपिक है. अब चलते हैं जो लास्ट की 2-3 लाइनें हैं, उसमें क्या लिखना है. अब जैसा आपका टॉपिक है, उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप लिखेंगे. देखें, सिंगिंग एंड डांस कम्पिटिशन में क्या रिक्वायरमेंट रहती है. सिंगिंग एंड डांस है, दोनों ही ऐसे कम्पिटिशन है जिसमें ट्रायल की जरूरत होती है. तो मैंने इसमें क्या लिखा है, ट्रायल की लाइन लिखी है. द इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स में गिव ट्रायल टू म्यूजिक और डांस टीचर बाई 8th May 2020. 6th May का हमने नोटिस लिखा है, और नीचे देखें हमने 8 तारीख दी है ट्रायल देने की, ताकि 11th को ये पूरा हो सके. द स्टूडेंट्स विल अरेंज देयर सॉन्ग्स इन पेन ड्राइव बाई देमसेल्स. और इंस्ट्रक्शन आप दे रहे हैं कि जो बच्चे डांस करना चाहते हैं, उसमें जो सॉन्ग होगा, तो जैसा भी मिक्सअप करेंगे, पेन ड्राइव में लाएंगे, CDs में लाएंगे, तो वो अरेंजमेंट किसने करना है, स्टूडेंट ने करना है. बाकी क्या रहा, फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट द अंडरसाइन, ये हर एक नोटिस में आप लिख सकते हैं. और किसी डिटेल की जरूरत है तो कॉन्टैक्ट द अंडरसाइन. तो अंडरसाइन कौन है, देखिए जरा, नोटिस किसने लिखा है, अथॉरिटी किसने नोटिस बनाया है, तो वो कौन है, यहाँ पर अरविंद कुमार सिग्नेचर है उसके, ये उसका नाम है, और ये उसकी जो डेजिग्नेशन है, आप लास्ट में लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर. कई बार वो नोटिस में हेड बॉय भी लिखा होता है, पीपल लीडर भी लिखा होता है. पीपल क्या होता है, स्टूडेंट होता है, शिष्य होता है, स्टूडेंट लीडर होता है, तो वो आपने इसके अंदर लिख दिया. इट कैन बी फ्रॉम प्रिंसिपल साइड, इट कैन बी फ्रॉम लाइब्रेरियन साइड. सो डियर स्टूडेंट, ये है आपका नोटिस. 4 मार्क्स का टॉपिक है ये आपका. फिर से एक बार हम रिवाइज करते हैं. सबसे पहले क्या लिखेंगे, इंस्टीट्यूट नेम, लेफ्ट साइड में डेट, फिर नोटिस, और फिर क्या आपका आएगा, टॉपिक. और जब कंटेंट स्टार्ट करेंगे, कंटेंट में आपने क्या लिखना है, तीन चीज़ें मैंने बताई, फर्स्ट लाइन में व्हाट, व्हेन एंड वेयर, और उसके बाद 1-2 लाइंस में एक्स्ट्रा जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो आप लिखेंगे. और लास्ट लाइन ये आपकी, फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टेक्ट द अंडरसाइन. तो कैसे भी टॉपिक आ जाए, तो उसके अंदर आप ये लिख सकते हैं. चाहे वो टॉपिक आपका टूर का है, तो टूर में आप क्या लिखेंगे, भी कहाँ जा रहा है टूर, कितने दिन का टूर है, उसके चार्जेस क्या होंगे, क्या उसकी ओवरऑल कॉस्ट क्या होगी, 5,000 पर हेड है, क्या होगा. और उसमें जो कंसेंट लेटर होता है, पेरेंट्स की तरफ से एफिडेविट बनता है, उसके बारे में लिख सकते हैं. कब तक नाम देने हैं, तो इस तरह की इवेंट्स होती है. किस क्लास के लिए कंपटीशन है, क्विज का है, और किस तरह का कॉन्टेस्ट है, वो आप इसके अंदर मेंशन कर सकते हैं. उसी के अकॉर्डिंग आप रिक्वायरमेंट लिखेंगे. आई होप आपको समझ आ गया होगा.
I think you will not face problem in notice writing. Even then, if you face any problem, अगर आपको कोई problem है तो comment box में आप मुझे बता सकते हैं. Thank you. Bye bye.